अभी हम उपस्थित है मधुबनी जिला में, जो हमारे पत्रकार साथी के साथ निंदनीय घटना हुई उनके फैमिली परिवार से कुछ बात कर लेते हैं कि प्रशासन द्वारा उन्हें क्या आश्वासन दिया गया, क्या ये घटना जो 9 तारीख को घटित हुई उसके बारे में सर कुछ बताइए। ये घटने के पीछे सब लोग ये वजह जान रहे हैं, तमाम लोग, और ख़ास करके यहाँ के जो लोकल मीडिया के हमारे साथी हैं, जो यहाँ के बेनीपट्टी के खास करके जो मीडिया कर्मी लोग हैं, वो लोग अंततः हकीकत को जड़ से जान रहे हैं। और यही वजह है कि इस लड़ाई की जड़ जो मजबूत हुई है, हालांकि बिहार ही नहीं बल्कि देश के तमाम पत्रकार हो, यहाँ की बेनीपट्टी, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, होते हुए पटना से लेकर के दिल्ली तक के तमाम पत्रकार आज जी जान से लगे हुए हैं कि अविनाश को न्याय मिले। लेकिन इसकी जड़ को कहीं ना कहीं मजबूत किया है यहाँ के हमारे लोकल पत्रकार जो यहाँ पे हैं, तमाम अखबारों के, तमाम जो चैनल्स के पत्रकार हैं, उन लोगों ने। और वो लोग जानते हैं कि अविनाश की हत्या क्यों हुई, इसी की वजह है कि बेनीपट्टी के किसी अखबार से, किसी लोकल स्ट्रिंग या रिपोर्टर के माध्यम से इस खबर की, जो अविनाश के मामले में जो कुछ अलग गलत बातें निकल करके सामने निकाली गई, उन चीज़ों को इन लोगों ने कभी सत्यापित नहीं किया। और यहाँ के लोग, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ का समाज, यहाँ के पॉलिटिशियन सब जान रहे हैं कि अविनाश की हत्या यहाँ के मेडिकल माफियाओं ने करवाई है, जिसकी वजह है। और डॉक्यूमेंट मेरे पास ये 200 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, ये पन्नों का डॉक्यूमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, वीडियो देखिए। वो लगभग मैं अब तक अपने जीवन के मात्र पिछले 2 सालों में तकरीबन 20 से अधिक फर्जी क्लिनिकों को बंद करवा चुका था। इसमें कई फर्जी क्लिनिक नाम बंद करवा, नाम चेंज करवा करवा करके चालू करवाते थे, उसको फिर वो इन्वेस्टिगेट करके बंद करवाता था। इसके बाद पहला उसका एक तरह से लॉट था, पहला दौर था, दूसरी दौर की वो तैयारी कर रहा था। और 7 तारीख को उसने, 7 नवंबर को उसने पोस्ट किया है कि 15 नवंबर से फिर से खेला हो गई। 10 अस्पताल का नाम था उस लिस्ट में। 9 तारीख को मेरा भाई गायब कर दिया गया, 12 तारीख को उसका लाश मिला, 15 तारीख को खेला करने वाला था, आज ही की तारीख 15 तारीख से तमाम मेडिकल माफियाओं ने मिलकर के उसकी हत्या करवाई है। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 6 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें 3 लोग मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं। आपका क्या कहना है, इस जो आप ये घटना हुई उसमें प्रशासन की कुछ मिलीभगत लग रही है या नहीं है? घटना में प्रशासन की मिलीभगत, मुझे देखिए एक चीज़ तो है, एक मिनट, प्रशासन की मिलीभगत की मैं बात करूँ तो प्रशासन की खामी कहीं ना कहीं बहुत पहले से रही है, बहुत पहले रही है। अगर आप प्रशासन खामी नहीं करती, क्लिक होकर प्रशासन की खामी नहीं रहती तो अविनाश का लाश नहीं गिरता। आप कहेंगे क्यों, अविनाश ने 2 साल पहले जो क्रांति की मुहिम की शुरुआत की थी, उस मुहिम की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि बेनीपट्टी में फर्जी अस्पताल थे, फर्जी डॉक्टर थे, लोग ही जाने जा रही थी, मत का खेल हो रहा था, फोन करवा दीजिए, उसको अविनाश ने खदेड़ना शुरू किया, खोदना शुरू किया, उसके बाद कार्रवाइयाँ हुई। अगर प्रशासन ने उन चीज़ों पे पहले से लगाम लगा दिया जाता तो क्या अविनाश जैसे युवक को अपना रोजी रोटी छोड़ करके उस चीज़ में लगने की आवश्यकता पड़ती? अविनाश तो उसको रोजी रोटी कभी नहीं बनाया। रोजी रोटी का मतलब होता है कि कंपेयर कीजिए, उसके पास समझौता करने के लिए लोग आते थे रुपये लेकर के, आज तक 1 रुपया किसी से समझौता नहीं किया। वो जो बाद में समझौता भी हुआ तो संबंध के आधार पर, आप हमारे मित्र हैं लेकिन हम आप गलत करेंगे तो हम कार्रवाई करते रहेंगे, जिसका उदाहरण है डॉक्टर संतोष कुमार, उनसे पहले उसका बगावत चलता था, लेकिन बाद में जब वो मित्रवत हुए तो संतोष कुमार को ही उसने अपने परिवार के सामने कहा था, भाई आप हमारे मित्र हो सकते हैं लेकिन जो हमारा मुहिम है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसने अपने मुहिम को कभी नहीं छोड़ा, इसी की वजह कि उसके कुछ उसकी हत्या हुई। प्रशासन को इन सब चीज़ों, खामियों को दूर करना था। घटना हुई, घटना में हम ये कहें कि प्रशासन संलिप्त होकर के घटना करवा दिया, ये नहीं है। घटना मेडिकल माफियाओं ने करवाया है, मेडिकल माफियाओं को प्रशासन ने पूर्व में संरक्षित किया था, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अभी जो अनुसंधान चल रहा है, अब तक का जो अनुसंधान चल रहा है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो हत्या में शामिल है, वो हत्या में शामिल है, ये मैं जानता हूँ। ये भी नहीं कि वो सस्पेक्ट के तौर पर किसी को उठा करके मुझे संतुष्ट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि वो शामिल है, लेकिन उसके पीछे कौन है मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूँ, न्याय की मांग करता हूँ कि इनके पीछे जो नेक्सस है, जो गिरोह है, जो मेडिकल माफिया है, जो लाखों करोड़ों का कारोबार करता है, उसको सामने लाए, ताकि बेनीपट्टी समाज इन राक्षसों से, इन मेडिकल माफियाओं के चंगुलों से मुक्त हो। अगर मेरे भाई की आहुति इस यज्ञ में गई है, यज्ञ का समापन प्रशासन को हम लोग के साथ मिलकर करना होगा, ताकि आने वाले भविष्य में बेनीपट्टी, क्या बेनीपट्टी, मधुबनी, पूरे बिहार में जो मेडिकल नेक्सस हैं, जो माफिया हैं, उसमें दूसरा अविनाश को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़े, अविनाश को जान गंवाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसा कि आपको हम बता दें कि अविनाश जी का काम था कि RTR डायर करके वो नर्सिंग होम पे छापे मारवाते थे, बहुत सारी नर्सिंग होम, फर्जी नर्सिंग होम बंद भी हुई है, तो इसी के विरुद्ध में नर्सिंग होम ने उन्हें अपहरण कर लिया और उनका हत्या कर दिया गया।
तो हमारे बीच BJPP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं दिल्ली से, उन सर से कुछ बात कर लेते हैं। सर बोलिए। हाँ, हमने इन परिवार वालों को जो है आश्वासन दिए हैं, और कल का जो है सो हमने एक पटना में है CSK मीटर में हमने मीडिया के माध्यम से जानकारी मजबूत की। हमने दिल्ली से तुरंत आए और हमने इनके परिजनों से बात की है। ये बड़ी दयनीय घटना है और मैं सरकार से चाहता हूँ कि जो मेन मास्टर माइंड आदमी हैं, जो प्यारा है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश सरकार को कहना चाहता हूँ, इसमें तो कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। पीड़ित परिवार को कम से कम मुआवजा का ऐलान करें, और 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी, जो एक ग्रेड की नौकरी हो, परिवार को प्रदान करे, जो अपना जो है सो आगे, मगर ये जो है सो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। और एक जो है सो मैं इससे पहले भी कहा हुआ था, आज से 2 महीना पहले जब मैं आया हुआ था भारतीय जनता परिवार पार्टी, तो मैंने बोला हुआ था कि जो प्रेस हैं, रिपोर्टर हैं, उनका जो है एक सुरक्षा कानून जो होता है वो भी लागू करें, क्योंकि हर एक रिपोर्टर के साथ कब क्या हो जाएगा इसका कोई नीति नहीं है। जैसे आप लोग भी रात 10-10, 11-11 बजे रिपोर्टिंग करते हैं, आज ये बच्चे की हत्या का कारण यही है, ठीक है, इनको अनुशंसा में लिया जाए और हमें जहाँ तक होगा भारतीय जनता युवा पार्टी उचित कार्रवाई, और हम जो है जो खुद जाके इसको मॉनिटर करें, सरकार से मांग करेंगे। सरकार से यही मांग है कि हमारे दोस्त को जल्द से जल्द न्यायपूर्वक जांच की उम्मीद दिलाई जाए। उनके परिजनों के साथ सरकार से अनुरोध यही रहेगा कि उनके परिजनों के साथ खड़े उतरे। तो इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं अपने चैनल पे।